वेलकम टू द सिविल इंजीनियर ब्रिजिट दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ दोस्तों के, कुछ हमारे मित्रों के कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि सिविल इंजीनियर के अच्छे करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 8 करियर ऑप्शंस, और ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले तो यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वीडियोज हम आपके लिए बनाते हैं, वो कैसे मिलेंगे बिना नोटिफिकेशन के, कहीं आपसे मिस ना हो जाए। चलिए आज हम सिविल इंजीनियरिंग के टॉप 8 करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, और आप हमें बताएंगे कि इसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं कैसा सोचते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं ना, सिविल इंजीनियर ले ली अब आप तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये भाई ऐसा ये नहीं है। ये सबसे पहले तो ये मेंटेलिटी आपको हटानी पड़ेगी कि देखिए, दिस इज फॉर ऑल सिविल इंजीनियर्स ग्रेजुएट लुकिंग फॉर करियर ऑप्शंस। और भाई ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियर्स में है नहीं है, हम आपको टॉप 8 ऑप्शंस, करियर ऑप्शंस बताने वाले हैं। तो आप इतना से आखिरी तक देखो, और वादा है कि आप इम्प्रेसिव लगेगी आपकी वीडियो। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट इन डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड क्रिएटिविटी ऑफ द नेचुरल एंड फिजिकल बिल्डिंग एनवायरमेंट, देन सिविल इंजीनियर द बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ फॉर यू टू प्रूव योर एबिलिटी एंड फाइंड द करियर विच यू विश टू। भाई यदि आपके पास में डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी है नेचुरल फिजिकल बिल्डिंग एनवायरमेंट के बारे में, तो आप सिविल इंजीनियर लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट है। करियर ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन डिग्री इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग आफ्टर मैकेनिकल इन पास। पहले मैकेनिकल में होती थी, जिसे मिलिट्री इंजीनियर सर, मिलिट्री इंजीनियरिंग कहते थे, अब वो फिर सिविल की हो गई। और सम ऑफ द ग्रेट ग्लोबल पॉपुलर मॉन्यूमेंट, भाई कुछ ऐसी इमारतें बना दी, ताजमहल। भाई ताजमहल बिना इंजीनियरिंग के हो सकती थी क्या? उस टाइम पे एफिल टावर बन गए, हो सकता है क्या? दुबई रिसोर्ट बनी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी, और अभी रिसेंटली बुर्ज खलीफा बनी, जिन्होंने प्रूव कर दिया सिविल इंजीनियरिंग के लोहे को। तो भाई सिविल इंजीनियरिंग को छोटी मोटी बात नहीं समझिए, सिविल इंजीनियरिंग में वो है जो बाकी किसी ब्रांच में नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा जॉब के रिगार्डिंग कहते हैं कि जॉब नहीं मिलती है, तो भाई सही गाइडेंस आपको सही जगह तक पहुँचा देगी। फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पोर्ट कंस्ट्रक्शन टू द रिवर, टाउनशिप प्लानिंग कंस्ट्रक्शन, मेट्रो रेल, ऑल आर द वर्क प्लेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो भाई इन सब रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो, या किसी प्लांट की, या फिर कोई मशीनरी की, या फिर कोई एक्सक्यूशन हो, बिल्डिंग हो, हाई राइज बिल्डिंग हो, सभी में सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। तो सिविल इंजीनियरिंग ही ऐसी ब्रांच है जो आपके आसपास के दैनिक जीवन में मिलेगी। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं कि हम आप 8 बेस्ट टॉपिक हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जो आपकी गलत फहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी इस वीडियो के देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। भाई सिविल इंजीनियरिंग में आप इमिडिएटली जॉब स्टार्ट कर सकते हो। आप जाइए रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, एज अ साइट इंजीनियर फॉर योर प्रोफाइल विच सूट योर योर एकेडमी, रजिस्टर योर सेल्फ ऑन ऑल द मेजर जॉब पोर्टल्स एंड स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द जॉब। भाई डायरेक्टली जॉब की अपॉर्चुनिटी भी तो है, आपने जैसी डिग्री करी है आप रजिस्टर्ड हो जाइए और किसी कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट की कंपनी में काम कर लीजिए। वहां से आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा और आपको अच्छी पे स्केल्स मिलेगी। स्टार्टिंग में पे स्केल्स कम रहेगी क्योंकि इंजीनियर्स बहुत हो गए हैं देश में, लेकिन बाद में अच्छी खासी 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको इसकी सैलरीज वाला कोई मैटर नहीं रहेगा, इसकी डेफिनेटली गारंटी है हमारी। और द सिविल इंजीनियर ब्रिजिट आप सभी को का स्वागत करता है। और एक चीज और है, देखिए आपने एक चीज ली, अब आप गेट एग्जाम भी है आपके पास, ग्रेजुएट किया, आप गेट की तैयारी कर लो, यू कैन गिव इट ए ट्राई, गो फॉर एम टेक। इससे एम टेक होता है सिविल इंजीनियरिंग में, आपको कौन सी कोई स्पेशलाइजेशन, एक ब्रांच ले लो जिसमें एमई और एम टेक जिसे कहते हैं, ऑल्सो स्टार्ट ए करियर इन अकेडमिक, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे अकेडमिक करियर भी चालू कर सकते हैं। यू हैव इंटरेस्ट इन टीचिंग, यदि आपके पास में टीचिंग का इंटरेस्ट है। और एम टेक की कुछ डिग्रियों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग,
इन्फॉर्मेटिक, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। तो भाई ये कितने सारे करियर ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप एम टेक करिए, इसके बाद में फिर से आपको जॉब्स मिलेगी, वाइट कॉलर जॉब्स जिसे आप कहते हैं, या करियर ऑप्शन भी हैं इन सभी ब्रांचों में। और गवर्नमेंट एग्जाम फॉर क्लास वन पोस्ट, भाई IAS इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉर CSIR फेलोशिप, बिलीव मी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द अप्लाई। आपने इंजीनियरिंग की, इसके बाद में आप गवर्नमेंट की IAS वगैरह के लिए भी एलिजिबल हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिन्हें PSU कहते हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो आप PSUs में अप्लाई करो। नाउडे तो मैनली डिपेंड, आज के समय में ये सारी कुछ गेट के स्कोर के ऊपर डिपेंड करती है, तो गेट की तैयारी करो, आपको PSU में भी आपका प्लेसमेंट हो सकता है। दे आर पब्लिशिंग द एडवर्टाइजमेंट रेगुलरली ऑन द नेशनल न्यूज में वो सभी रोज रेगुलरली आपको अपडेट करते हैं, आप नेशनल न्यूज आप देख सकते हो। सो वी प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर गेट प्रैक्टिकली ऑल सिविल सर्विस पोजिशंस इन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड हेल्ड बाय सिविल इंजीनियर्स, सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ETC कंडक्ट। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने खुद के एग्जाम कराते हैं, और कुछ गेट के स्कोर के कार्ड के ऊपर आपको हायर करते हैं, आपको सिर्फ अप्लाई करने की देर होती है, इंटरव्यू तो हाँ नहीं है। हम कुछ PSUs के नाम बता रहे हैं जो हमारे इंडिया में हैं। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, अभी रिसेंटली उत्तराखंड में न्यूज़ में था, क्योंकि अभी वहाँ पर एक ग्लेशियर नदी में जाके गिरा और उसके बाद में वहाँ का वो थर्मल पावर प्लांट बह गया। BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ONGC नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, गैल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी PSUs हैं। और कोई PSU छूट गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दो। स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब्स निकलती हैं PWD में, सिविल इंजीनियरिंग की, सब इंजीनियर्स की बहुत सारी भर्तियां होती हैं, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एलिजिबल फॉर बैंक जॉब्स, वन ऑफ द वेरी लुक्रेटिव करियर ऑप्शन नाउडे, आप बैंक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हो गई हैं। आप हायर स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, MBA कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, यू कैन ऑल्सो स्टैंड कैट, आप कैट यदि आप दे दें तो उसके बाद में कैट की तैयारी कर लो, कैट यदि निकल गया तो और आपको मैनेजमेंट की और कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं मैनेजमेंट आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। यू कैन ऑल्सो गिव अस थोड़े कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कॉलेज फ्रॉम वेयर यू कैन परस्यूइंग कंस्ट्रक्शन, और आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी डिग्री कर रहे हैं। और आपको यदि मास्टर्स करना है, यदि फॉरेन जाना है, तो आपको GRE का एक टेस्ट देना है, उसमें यदि 300 से प्लस से मार्क्स हैं। GRE के बारे में आप गूगल कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा इसके बारे में। हमारे पास में टाइम कम होता है इसमें बताना, और यदि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़रूर हम आपको इस बारे में बताएंगे। और स्पेशलाइजेशन ऑफ ए चूज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आपको इसमें प्लेसमेंट हो जाता है GRE के एग्ज़ाम के बेस पर, और साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर यू आर, अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं। और आप ये इनके अलावा स्टार्ट सिविल इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर वेंचर इन इंडिया, ये भाई आज के समय में ऑल थोट दे आर वेरी फ्यू नेम इन इंडिया, एंटरप्रेन्योरल वेंचर जो है बहुत कम है हमारे देश में। ये कहीं आपको द पिक्चर इज क्वाइट चेंजिंग, अब बदलने लगी है, अनटैप्ड मार्केट देयर फॉर हैज़ द बिगेस्ट पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सिविल इंजीनियरिंग एंड टीम टू इनोवेट एंड कमिंग अप द आइडिया एंड बेटर द प्रोसेस ऑफ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। ए बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री से डज नॉट टीच इनफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर यू टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। भाई थ्योरेटिकली उतना नहीं है ना, तो यू हैव टू बी इट बी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, दैट्स वाई देर इज ऑलवेज एयरली लॉन्ग प्रोवेंशनरी ट्रेनिंग पीरियड फॉर ऑल ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस एंड द वर्क फॉर डू यू मोर लेस ट्रैवल नॉट इन्वॉल्व सम थिंग्स यू लर्न इन योर कोर्स। जो आपने कोर्स में याद किया, जो पढ़ा है, वो सब आपको काम आएगा साइड पे,
और कहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से जॉब्स नहीं मिलती भाई, ये आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पे सीखना ज़रूरी होता है, आप काम करिए सीखिए। और ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग खराब ब्रांच है, बहुत अच्छी है। हम फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर परस्यूइंग द करियर, यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मोस्ट डिस्कस, और जो हमने अभी डिस्कस किया है प्रोबेबली द हॉटेस्ट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ जॉब अवेलेबिलिटी इन टूडेज, भाई जॉब अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाली है और कर रही है, तो भाई हम लोगों को होना ही है। द टाइम इज द मोस्ट ऑफ द कंट्री अराउंड द ग्लोब फाइंडिंग द राइट करियर इन योर फील्ड इंटरेस्ट इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब फॉर द पीपल हु आर द बिट कन्फ्यूज। भाई जो अपने कैरियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूज है उससे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो सबसे पहले तो आप जो करियर ऑप्शन कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए और फिर स्ट्रेटेजिक तरीके से आप उसमें एंट्री लीजिए और फिर अपने कैरियर को बनाइए। और ये वीडियोस आपको कितनी हेल्प करी है, और सो नेसेसरी हैव द प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कंसर्न फील्ड बिफोर ऑप्शन इज टू करियर, तो इसके बारे में परफेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ेंगे और रिप्लाई भी करेंगे हमारी टीम। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।